नीमच जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के बाद 26 वर्षीय विवाहिता की मौत के बाद परिजनों ने विरोध करना शुरू कर दिया है और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के भी नेता उमराव सिंह गुर्जर और तरुण बाहेती सहित कई लोग मौके पर मौजूद हैं और परिजन लगातार अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम पर अब उतारू हो गए हैं और मौके पर भारी भीड़ भी जमा हो गई है। वहीं से लेकर कांग्रेस नेता उमराव सिंह गुर्जर और एसडीएम ममता खेड़े का क्या कुछ कहना है आपको वो सुनवाते हैं। कल एक महिला की डिलीवरी के दौरान उसकी मौत हो जाती है, इसमें सीधा सीधा डॉक्टर की लापरवाही के कारण सामान्य डिलीवरी होने के बाद उसका किस तरह से इलाज किया जाना चाहिए था। निश्चित रूप से पूर्व में भी ऐसी कई घटनाएं हुई है और उसमें भी ये मांग की गई कि ऐसी लापरवाही आगे ना हो, लेकिन बार बार ऐसी लापरवाही हो रही है। जिला प्रशासन, पुलिस और ये सब ये बताते हैं कि हम इसकी जांच करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे, लेकिन पूर्व के जितने मामले हुए हैं उनमें उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। लिपापोती हो जाती है जाँचों में, भ्रष्टाचार हो रहा है और इनको न्याय नहीं मिल रहा है, न ही इनको आर्थिक सहायता दी जा रही है, न ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है। परिजनों के साथ हम यहाँ पे इसलिए खड़े हैं कि इनको न्याय मिले, इनको आर्थिक सहायता मिले, दो बच्चे हैं इनके पालन पोषण के लिए आर्थिक सहायता मिल जाए और इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर दे ताकि आगे ऐसी कोई घटनाएं न घटे। डिलीवरी के दौरान गरीब लोग यहाँ पे सिविल अस्पताल में डिलीवरी करवाने आते हैं, उनके खिलाफ ऐसी घटनाएं हो रही है। निश्चित रूप से ऐसे पूर्व में भी केस हुए हैं इनके द्वारा और लापरवाही के कारण उनकी मौत हो गई है और हम ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई हो ताकि आगे ऐसी घटनाएं न हो और गरीब के साथ न्याय हो। प्रसव के उपरांत मृत्यु हो गई है, दुर्भाग्यपूर्ण है, जांच की मांग है तो उसमें भी सद्य प्रसूता की मृत्यु के लिए जांच कमेटी का निर्देश है, उसके अनुसार जांच होती है, उसकी नियमित समीक्षा भी होती है ऐसे मामलों की, तो जांच के लिए तो बता दिया है कि जांच उसमें होगी। इसके अलावा आर्थिक सहायता की है तो भी अंत्येष्टि के लिए जो भी आवश्यक सहायता है वो हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चे चूँकि दोनों छोटे हैं, कल एक जो कल जिसका जन्म हुआ उससे पहले 3 साल का बच्चा है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से बाल आशीर्वाद योजना में ऐसे बच्चों की स्पॉन्सरशिप की जाती है, तो उसमें प्रकरण में हम लोग उसमें नियमानुसार कार्रवाई करने का प्रयास। मृतका के परिजनों से कहा गया है, उनके ऐसे आरोप हैं कि आपके पास जो भी एविडेंस है या जो भी उसके अनुक्रम है घटना का, वो लोग वहाँ गए थे, यहाँ आए जो भी स्थिति बनी है उस संबंध में कथन दे दें और उनके पास कुछ कागज भी हैं जो दिखा रहे हैं, तो मैं कि उसमें नियमानुसार कार्रवाई। एक्चुअल डॉक्टर्स के लिए प्रोटेक्शन एक्ट है कि उसमें ऐसे फौरी तौर पे सड़क पे खड़े होकर किसी का दायित्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता। मैंने आपको पहले भी बताया कि सद्य प्रसूता की जांच के लिए कमेटी बनती है और उसमें समीक्षा होती है, माननीय कलेक्टर सर समीक्षा करते हैं तो वो उसमें विधिवत जांच करके फिर उसकी समीक्षा जी परिजन चाहेंगे हम लोग भी एम के लिए अभी तैयार नहीं आया। वहीं से लेकर कांग्रेस नेता उमराव सिंह गुर्जर और एसडीएम ममता खेड़े का क्या कुछ कहना है आपको वो सुनवाते हैं।